आज 2 दिसंबर 2023 रायबरेली की नगरी में मैं पहुंच रहा हूं श्री श्याम साधु जी के पास, जो कि एक अलौकिक इस भारत की भूमि में रायबरेली की भूमि पे एक अलौकिक पुरुष नजर आ रहे हैं, जो एक ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए और ब्रह्म शक्ति को पहचानने वाले, वो आज श्याम साधु के नाम से जाने जा रहे हैं, जो कि विश्व स्तर पे उन्हें देखा जा रहा है और उनके कार्यकलापों को देखा जा रहा है, जो एक ब्रह्म शक्ति के रूप में हम जानते हैं, और उनकी सेवा पर्यावरण और पशु सेवा में उनका सारा जीवन बीत रहा है, और वो एक ऐसे अलौकिक पुरुष हैं इस रायबरेली की धरती पे, और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की धरती पे वो एक अलौकिक पुरुष हैं, जो कि सेवा को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आप सभी देख रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, वैसे तो रायबरेली नहीं, हम हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रहे हैं कि क्या कोई श्याम साधु जैसा कोई दूसरा पुरुष सामने नजर आया है, हो तो उन्हें ऐसा कुछ इनाम दिया जाएगा जो कि आपको इस भारत भूमि के लिए कुछ करने का के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, और वो प्रेरणा स्रोत तो हमें लगता है हिंदुस्तान में श्री श्याम साधु जी से मिल रहा है हमें, कि इस पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित कैसे किया जाए। तो वो श्याम साधु आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं, और एक ब्राह्मण घर में जन्म ले करके उन्होंने पशुओं की सेवा, आज हमारा अंदाज है कि वो लगभग 50 वर्ष से तो मैं ही देख रहा हूँ, उसके पहले से इनका कार्यक्रम सतत चलता रहा, और ये मैं देख रहा हूँ कि अभी तक किसी सरकार ने, और मैं तो कहता हूँ राज्य सरकार ने भी इनकी तरफ कोई दृष्टि नहीं डाली, और ये मैं देख रहा हूँ कि एनजीओ, बड़े बड़े एनजीओ को बड़ा बड़ा सरकार पैसा दे रही है और उनसे कभी मिला भी ना गया, जबकि प्रदेश सरकार में एक साधु ही सेवा कर रहे हैं, और उनको तो कायदे से देखना चाहिए कि एक श्याम साधु रायबरेली की नगरी में, एक हिंदुस्तान की नगरी में पूरे विश्व को दिखा रहे हैं अपने कार्यकलापों द्वारा, कि हमारा जीवन, मानव जीवन किस लिए मिला है, मानव जीवन तो सेवा धर्म के लिए मिला हुआ है, तो हमें तो सेवा धर्म से जुड़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए श्री श्याम साधु जी से। इसी बात को कहते हुए हम समापन की तरफ ले जाते हैं।